हमारे कर्म का, जो हमारा रिजल्ट निकलता है, हमारे कर्म का, हमारे कार्य का जो रिजल्ट है, वो हमारा भाग्य है। कर्म का जो रिजल्ट है वो हमारा भाग्य है। हम जितना अच्छा कर्म अपनी जिंदगी में करते जाएंगे, अपन जितना अच्छा कर्म अपने जीवन कार्य में करेंगे, उतना उतना हमारा भाग्य प्रबल होता चले जाएगा। हम यदि कर्म ही अच्छा ना करें और हम अपने अच्छे कर्म को ना करें और विचार करें कि हमने कर्म ही अच्छा नहीं करा और भाग्य हमारा प्रबल हो जाए या हमको कुछ अच्छा प्राप्त हो जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जितना अच्छा जिंदगी में आप कर सकते हो, जितना अच्छा कर्म आप कर सकते हो, उतना अच्छा करने का प्रयास करो। जरूरी नहीं कि आप बहुत सारा, आपके घर में अगर बहुत सारा पैसा है तो आप बहुत सारा पैसा किसी को दे दो, ये जरूरी नहीं है। आप किसी को बहुत सारा भोजन करा दो, ये जरूरी नहीं है। आप किसी को बहुत सारी प्रॉपर्टी दे दो, ये जरूरी नहीं है। आप किसी को बहुत सारा सोना चांदी अंबर पीतांबर दे दो, ये जरूरी नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने कारण, इस शरीर के द्वारा, अपने द्वारा किसी की आंख में आंसू ना आए, बस इतना बहुत जरूरी है। आप बहुत सारा दान नहीं दे सकते, मत दो। आप किसी को भोजन नहीं करा सकते, मत कराओ। आप किसी को सोना चांदी नहीं दे सकते, मत दो। आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, मत दो। पर अपने भीतर एक ऐसा संकल्प करो कि अपने द्वारा, शरीर के द्वारा, अपने द्वारा किसी की आंख में आंसू ना आए, किसी के जीवन में दुख ना आए, किसी के जीवन में कष्ट ना आए। मेरे देवाधिदेव महादेव ने करा ही क्या? भगवान, सारे देवताओं को देव कहा जाता है, देवता कहा जाता है, पर भगवान शंकर को देव नहीं कहा जाता। क्या कहते हैं उनको? महादेव कहते हैं। महासंबोधन का मतलब क्या होता है? अपन कह देते हैं महामहिम, महादेव। महासंबोधन का मतलब क्या है? जिसने दुनिया को दिया, जिसने दुनिया को केवल देने का काम करा, कभी लेने का काम नहीं करा, वो महादेव कहलाया है, उसको महासंबोधन। हम हमारी सहज भाषा में कहते हैं महामहिम, महामहिम संबोधन करते हैं, महादेव संबोधन करते हैं। इसका मतलब होता है कि तुमने दुनिया को दिया है, तुमने प्रदान किया है, तुमने लिया नहीं, तुमने दिया। शिव जी ने विष पिया, अमृत दिया। शंकर भगवान ने धतूरा अपने पास में रखा, 56 भोग सबको दिया। जहरीले से जहरीला फूल, चाहे वो आंकड़े का फूल हो, कनेर का फूल हो, कनेर के फूल को गाय खाती है क्या? जम के बोलो जरा, नहीं खाती। कनेर की पत्ती को गाय खाती है क्या? नहीं खाती। पशु पक्षी खाते हैं? नहीं खाते। आंकड़े के फूल को गाय खाती है क्या? नहीं खाते। पशु पक्षी खाते हैं क्या? नहीं खाते। धतूरे को गाय खाती है क्या? नहीं खाती। उसको पशु पक्षी खाते हैं क्या? नहीं खाते। जिसमें विष भरा हुआ, जो किसी काम का नहीं, जिसको दुनिया ने नकार दिया, जिसको दुनिया ने छोड़ दिया, जिसको दुनिया ने ठोकर मार दी, मेरे महादेव ने उसको अपना लिया है, अपने पास लिया। जिसको दुनिया ठोकर मार देती है, जिसको दुनिया नकार देती है, उसको महादेव अपना बनाने का प्रयास करते हैं। मेरे शिव, आप लोगों में कई बच्चे ऐसे हैं, इस कोटा नगर के कई बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, कई बेटियां पढ़ने के लिए आती हैं, कोचिंग करने आते हैं, और आप लोग भी, कई लोग अपने आप में ऐसा सोचते हैं, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बना दिया, मेरी जिंदगी तो बेकार है, मेरा जीवन तो बेकार है, संघर्ष का जीवन निकल रहा है। कितना रोते हैं लोग, हमारा जीवन बेकार है, हमारी संघर्ष की जिंदगी चल रही है, कर्जे में लदालूम हो गए, दुख अपार पड़ गया। जिसको दुनिया ठुकरा देती है, आप लोगों से कहेंगे कनेर के फूल को किसी ने नहीं अपनाया, ना पशु अपनाए, ना पक्षी अपनाए, ना कोई जानवर, ना कोई देवता,
उस फूल को शिव जी ने अपनाया। धतूरे को किसी ने नहीं अपनाया, उसको मेरे महादेव ने अपनाया। मेरी जीजियों और जितने बैठे हैं मेरे जीजाओं और जितने बेटा बेटी इस कथा के अंदर बैठे हुए हैं, उनसे एक बात कहना चाहेंगे। आप कभी अपने भीतर ये बात लेकर मत आना कि आपको भगवान ने व्यर्थ पैदा कर। आप कभी अपने भीतर ये बात लेकर मत आना कि आपको कोई भगवान ने कष्ट देकर पैदा करा। अपने भीतर कभी ये मत लेकर आओ कि मेरी जिंदगी बेकार है, या मैं नरक का जीवन जी रही हूं, या दुख का जीवन जी रही हूं, या तकलीफ का जीवन जी रही हूं, या कष्ट का जीवन जी रही हूं। ना 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 ना, जिसको दुनिया ठोकर मारती है, जिसको दुनिया गाली देती है, जिसको दुनिया नकारा समझती है, जिसको दुनिया एकदम हल्का समझती है, एक दिन वही जिंदगी में नाम कर कर जाता है और नाम कमा कर जाता है। बेटे बेटियां ये कभी ना सोचें कि हम कोचिंग करने के लिए कोटा में आए हैं, हम पढ़ाई करने के लिए कोटा में आए हैं, इंटरव्यू में हमारा नहीं हुआ, या हमने परीक्षा दिया, टेस्ट दिया और नहीं हुआ, हमारी जिंदगी तो बेकार हो गई, हम तो नकारा हो गए, हमें अब क्या मतलब की जिंदगी रह गई, इससे तो हम मर जाएं तो अच्छा। ये लोग सोच लेते हैं, ये लोगों के अंदर विचार आ जाता है। कभी किसी माता पिता से पूछना कि उसको 20 साल 25 साल तक बच्चे को पढ़ाने में उसकी जिंदगी की कितनी पूंजी से मतलब नहीं, जिंदगी का कितना कितना प्रेम वो उंडेलते हैं। एक छोटा सा टेस्ट, एक छोटी सी परीक्षा, कोई जरूरी है कि सब पास होंगे? फेल होना भी हमें संघर्ष में आगे बढ़ना सिखाता है। कोई जरूरी है कि सब पास होंगे? कबड्डी खेलना आती है आप लोगों को? दूसरे की पाली में घुसते हैं, कभी कभी दूसरे की पाली में घुसकर इधर वालों ने कहा था ध्यान रखना, टच करके आ जाना, पकड़ाई में मत आ जाना। पर कभी कभी कितना भी समझदार व्यक्ति हो, कितनी भी अच्छी पढ़ाई करी हो, कितनी भी विद्वत्ता रखते हो, उसके बाद भी अगर तुम आउट हो जाओ या पकड़ाई में आ जाओ तो चिंता मत करना। आउट होने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करना, बैठना, इंतजार करना और विचार करना कि मैं फेल कैसे हो गया, मैं टेस्ट में हार कैसे गया, दूसरी बार तैयारी करना, फिर जाना और तू करते हुए सब कुछ छू कर वापिस आ। कैसे हार जाएं हम? क्या ये? अरे गुरुजी, हम तो किसी काम के ही नहीं रहे। मेरी बेटियां कहती हैं, कई बहुएं कहती हैं, हमारी जिंदगी नरक हो गई गुरुदेव, बहुत दुखी हैं। हमने पूछा क्या दुख है तुम्हारी जिंदगी में? पति बहुत मदिरा पीता है, शराब के नशे में रहता है, गालियां देता है, बच्चे सुनते नहीं है, चिड़चिड़े हो गए, सास दिन भर हमको गाली देती है, खाने के लिए घर में कुछ नहीं है, तकलीफ है इतनी है गुरुजी, इतनी तकलीफ है कि पूछो ही मत। घोड़े की रेस देखना, घोड़े को नहीं मालूम रहता कि मैं कंपटीशन में बैठा हूं, घोड़े को नहीं मालूम कि मैं एग्जाम में बैठा हूं, घोड़े को नहीं मालूम कि मैं जीतने के लिए यहां आया हूं, घोड़े को नहीं मालूम कि मैं रेस में खड़ा हूं। घोड़ा तो दौड़ता है, जब धीरे दौड़ता है तो घोड़े को चाबुक मारा जाता है, तीन चुबाई जाती है, घोड़े को उस चाबुक की आगे एक नोक रहती है, उसको चुभाया जाता है। घोड़े को नहीं मालूम कि मैं रेस में खड़ा हूं, घोड़ा तो इसलिए दौड़ता है क्योंकि उसका मालिक उसे कष्ट देता है, मालिक उसको मार रहा है, मालिक उसे चुभा रहा है, इतना चुभा रहा है कि घोड़ा चीख रहा है, हिन्ना रहा है और दौड़ रहा है। उसको नहीं मालूम कि मैं रेस में खड़ा हूं, वो मालिक के कष्ट से इतना भागता है, इतना भागता है कि पहले नंबर पर आगे निकल जाता है और जीत जाता है। जब एक घोड़े का मालिक घोड़े को कष्ट देता है तो घोड़ा पहली नंबर पर आ जाता है। जब तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेने पर तुम्हारी जिंदगी में भी अगर दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए तो समझ लेना मालिक तुम्हें जिताना चाहता है, इसलिए आगे निकालना चाह रहा है।
जिंदगी में अगर कष्ट आ रहा है, जिंदगी में तकलीफें आ रही हैं, जिंदगी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, और एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती दूसरी आ जाती है, एक कष्ट खत्म नहीं होता दूसरा आ जाता है, एक तकलीफ खत्म नहीं होती दूसरी आ जाती है, तो ये विचार करना जैसे घोड़े को पिंच करा जा रहा है, तकलीफ दी जा रही है और घोड़ा जीत जाता है, उसको नहीं मालूम कि मैं रेस में खड़ा हूँ। उसी तरह भगवान हमको तकलीफ पर तकलीफ, तकलीफ पर तकलीफ, कष्ट पर कष्ट देता है। क्यों? क्योंकि भगवान चाहता है कि मैं तुझे रेस के घोड़े की तरह तुझे आगे निकाल कर ले जाऊं। ये कष्ट नहीं होता तो तू सहन कहां कर पाता। राम बन ना जाते तो राम कभी राम बन ना पाते। राम अगर वन नहीं गए होते तो राम कभी राम नहीं बन पाते। राम का वन जाना राम जी का बनने में मूल है। तुम अपना दुखड़ा रोते हो, कभी भगवान कृष्ण का दुखड़ा देखा है तुमने? जन्म देने वाली माँ बचपन से छूट गई, बोलो सही है कि गलत है? बचपन में जन्म देने वाली माँ छूट गई, कारागार में पड़े थे, चले गए यशोदा जी के यहाँ, उन पर चोरी का इल्जाम लगा, मक्खन की चोरी का बचपन से इल्जाम लग गया। कितना कितना पूतना आई तृणा बताया, घासुराया बकासुराया, कितने कितने असुर आए, कंस खुद का सगा मामा भी पीछा पड़ा रहा। जरा सोचो कि भगवान कृष्ण की जिंदगी में कितना दुख आया होगा। स्वयं का मामा तकलीफ दे रहा था और स्वयं का मामा भी तकलीफ देता। मथुरा में पहुंच गए, मथुरा से फिर किसी ने अपशब्द कहे तो मथुरा छोड़कर रास्ते से जाने लगे, फिर जाने लगे तो फिर द्वारका पहुंच गए। द्वारका में पहुंचने के बाद भी कौन सा सुख मिला जरा विचार करिएगा। उसके बाद भी नैनों में जल भरा रहा, गोपियों की याद आती रही, यशोदा मैया की याद आती रही पूरी जिंदगी। और आखिरी में जब उनके चरणों में बाण लगा, नाम के व्याघ्र ने बाण छोड़ा, उनके पांव के तलवे में लगा, जरा विचार करिए, इतनी कष्ट की जिंदगी जीने के बाद भी मेरे कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं और दुनिया के लोगों को जीना सिखाते हैं। इतनी जिंदगी में दुख आने के बाद भी गीता का उपदेश देते हैं और जीना सिखाते हैं, ये कृष्ण है। एक माँ ने लिखा, मेरे गर्भ से बच्चे नहीं हो रहे थे, मैंने विचार कर लिया था कि मैं प्राणों को त्याग दूंगी। तब उसने आखिरी में यह विचार करा कि कोई ने बोल दिया कि टीवी पर कथा आती है, थोड़ी देर सुनो तो। मन नहीं लगा पहले दिन कथा में, मन नहीं लगा थोड़ी देर कथा में, उसके बाद जो मन लगा तो बाबा से कह दिया, बाबा तेरा दरवाजा नहीं छोड़ूंगी, मेरे संतान का सुख दे दे। लोग अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं, मैंने सुना है दुनिया के देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं और तू छप्पर फाड़ कर देता है। बाबा तू छप्पर फाड़ कर देता है। बाबा अब मैं डॉक्टरों को दिखाने नहीं जाऊंगी, अब मैं डॉक्टरों के पास नहीं जाऊंगी, अब मैंने टेस्ट बेबी भी 2-3 बार करवा लिया, अब नहीं करवाऊंगी। मैंने दुनिया के लोगों से नारियल झेला, गोदी झेली, सब दूर किसी ने कहा वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, सारी दुनिया में गई सालों से, पर कोई लाभ नहीं मिला। अब बाबा कहीं नहीं जाऊंगी, तू है, तेरी कथा है और सुना है, कथा कथा नहीं है, शंकर खुद इस शिव महापुराण में बैठा हुआ है, जब तेरी कथा सुन रही हूँ तो मेरी झोली क्यों खाली रहे। उसने पत्र में लिखा, गुरु जी बस बाबा पर भरोसा बढ़ा, एक लोटा जल और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा हम उससे कहते हैं वो देता है, क्या नहीं देगा, क्या नहीं प्रदान करेगा, आप उससे कहो तो, दिल से बोलो तो। बाबा हमारा कहा गया, लोग कहते हैं क्या भगवान सुनता है, लोग कहते हैं क्या भगवान खाता है। आज के जमाने में सनातन धर्म पर उंगली उठाने वाले इतनी उंगली उठाते हैं कि लोग कहते हैं क्यों पत्थर के सामने भोग लगा रहे हो। हम उनसे कहते हैं 2 कटोरी आटा सेक कर शक्कर मिलाकर पंजेरी और पंचामृत बनाओ, 1 कटोरी फ्रिज में रख दो, 1 कटोरी भगवान के सामने रख दो, जो फ्रिज में रखा है उसको भी खा कर देखना और जो भगवान के सामने रखा है उसको खा कर देखना, दोनों में स्वाद में अंतर मिलेगा, दोनों के स्वाद में अंतर मिलेगा। सत्यनारायण भगवान की वाटे की पंजेरी सीरा जरा सा खाते हैं स्वाद आता है, 56 भोग का जरा सा प्रसाद, अन्नकूट का जरा सा प्रसाद, अन्नकूट की वो राम भाजी मिक्स बेस सब्जी पूरे साल बनाकर खाओ उसमें स्वाद नहीं आएगा, पर दिवाली के बाद जब गोवर्धन पूजन हो जाए उसके बाद खाओ उसमें स्वाद बढ़ जाता है। एक स्वाद भगवान ने, कोई कहे कि ये तो पत्थर है, कोई कहता है कि ये पत्थर पर दूध क्यों चढ़ा रहे हो, कोई कहते हैं कि पत्थर पर पानी क्यों चढ़ा रहे हो, दूध क्यों चढ़ा रहे हो, उसको कहना हम चढ़ा रहे हैं, हमारे पिताजी का है, हमारा सनातन धर्म है, हम कितना दूध
किसको चढ़ाएं, तुम्हें उससे मतलब क्या है? तुम्हारे घर के बच्चों को कितना दूध पिला रहे हो तुम उसका अंदाजा रखो, हमसे मत पूछो कि हम किसको चढ़ा रहे हैं, क्यों चढ़ा रहे हैं, किस लिए चढ़ा रहे हैं। होली आती है, लोग विरोध में न्यूज निकालना, व्हाट्सएप पर वीडियो डालना चालू कर देते हैं। दिवाली आती है, लोग वीडियो डालना चालू कर देते हैं। गणेश जी आते हैं, लोग वीडियो डालना चालू कर देते हैं सनातन धर्म के विरोध में। इनका काम है, इनको करने दो, अपना काम है भगवान के मंदिर तक जाना, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना। जो तुमसे कहे कि मंदिर जाने से क्या होता है उसको कहना एक महीना तू भी जाके बता। मंदिर में शंकर को जल चढ़ाने से क्या होता है उससे कहना एक महीना तू चढ़ा कर बता, एक महीना तू जल चढ़ा कर बता। और नहीं तो मैं तो हम इस मंच से कहें कि ये सारे पत्र ले जाओ जितने रखे हुए जितने हैं सब ले जाओ, और मेरी जीजियों जिसके मन में संशय हो इसमें मोबाइल नंबर, ऐसा कोई पत्र नहीं होता जिसमें मोबाइल नंबर और एड्रेस नहीं होता, ऐसा कोई पत्र नहीं जिसमें मोबाइल नंबर नहीं एड्रेस नहीं उसका पता नहीं, उनके पास जाकर अपना माइक ले जाकर जरूर पूछना क्या शंकर भगवान ने तुझे दिया, कभी तू सियोर वाले महाराज से मिला, कभी तू सियोर वाले महाराज से कभी मिलना हुआ, कभी कोई बेल कोई भभूती कोई नरियल सियोर वाले महाराज ने दिया, कोई से भी मिलोगे वो एक ही बात कहेगा हमने तो केवल टीवी पर कथा सुनी थी और वहीं पर बैठ कर बाबा से प्रार्थना करी थी, एक लोटा जल चढ़ाया है और उसका फल पाया। शिव को लोग पहचानते नहीं है, शंकर को लोग जानते नहीं है, लोगों ने बहुत चमक दमक में मेरे भोलेनाथ को नीचे दबा दिया था, यहां तक लोग कहना चालू कर देते शंकर के मंदिर का प्रसाद मत लेना। कई कोटा में भी बहुत सारे ऐसे रहते होंगे जो भगवान शंकर के मंदिर में पांव रखना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं हम मंदिर नहीं जाते शिव जी के, हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते, हम इस पंथ के हैं, हम इस धर्म के हैं, हम इसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं। उनसे कहना अगर शंकर के मंदिर का प्रसाद लेना पसंद नहीं है तो फिर लिख देना कि शमशान जाना भी पसंद नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का आखिरी घर शमशान होता है और उस घर में मेरा देव अधिदेव महादेव होता है, उसके सिवा कोई नहीं। कोई कहता है हम इस पंथ के हैं हम शंकर का प्रसाद नहीं लेंगे, कोई कहे हम इस पंथ के हैं हम शिव के मंदिर नहीं जाएंगे। शंकर को इतना दबा दिया, इतना दबा दिया, इतना दबा दिया, इतना दबा दिया, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाकर मत पीना, बेलपत्र मत खाना, कितनी बेलपत्र निर्माल्य विसर्जन में जाती थी, आज से जब से कथा सुनना चालू करी शंकर जी के मंदिर में एक बेलपत्र नहीं मिलती, तुम चढ़ा के हटे दूसरी उठा के भग गई, एक बेलपत्र नहीं मिलती, क्योंकि उस बेलपत्र के महत्व को लोग जान गए, महत्व बेलपत्र का क्या महत्व, रुद्राक्ष का क्या महत्व, शिव पर चढ़े हुए जल का लोग पहचान नहीं पाते। हमसे लोग कहते हैं कि आप सीहोर में जो रुद्राक्ष, मीडिया वाले पूछते हैं सब दूर रुद्राक्ष मिलता है, सीहोर के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है, हमने कहा कभी लेकर आना जब तुम्हारे घर में कोई तकलीफ हो कष्ट हो या कोई एग्जाम के लिए जाओ या कोई तुम्हारे यहाँ किसी चीज के लिए जाओ तो उस सीहोर का रुद्राक्ष, सीहोर से बाहर हम कभी किसी को देने के लिए नहीं भेजते, सीहोर का रुद्राक्ष केवल सीहोर से ही मिलता है और लाइन लगा कर मिलता है। आप कभी जाना कंकर शंकर की भूमि पर खड़े होना और खड़े होकर कंकर शंकर की पूजन कर एक रुद्राक्ष लेकर आना और उस रुद्राक्ष को बड़ी से बड़ी बीमारी में भी तांबे के कलश में पानी डालकर उसको गला देना, रात भर सुबेरे देव अधिदेव महादेव को कुंड कैश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ा देना, उस पानी का आचमन करना प्रारंभ करना। अगर किसी का डायलिसिस भी चल रहा हो तो दो बूंद पानी भी उसने प्रतिदिन बाबा को चढ़ाकर अगर पिया है तो उसका फल क्या होता है ये उसको मालूम पड़ेगा कि उसका फल क्या है, रुद्राक्ष की महत्वता क्या है, उसके शिव तत्व को लोगों ने दबाया, शंकर को नीचे की ओर दबाया कि शिव है क्या अड़भंगा, लोगों ने कहा वो तो रुद्र है, वो तो क्रोध करने वाले देवता है, वो क्रोध करते हैं, वो रुद्र है। ना ना ना, संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा जिसका संबंध शंकर से नहीं हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, संसार में ऐसा कोई ना जन्मा जिसका संबंध भगवान देव अधिदेव महादेव से नहीं है, सबका संबंध मेरे देव अधिदेव महादेव से है, सबका संबंध मेरे बाबा ओगड़दानी से है, सबका संबंध मेरे शिव से है। भटकने से सब कुछ मिल जाएगा क्या?
जम के तो बोलो, भटकने से सब कुछ मिल सकता है, कितना ही भटक, यहां चले गए वहां चले गए, यहां भटक लिए वहां भटक लिए, भटकने से कुछ नहीं मिलता, मिलेगा तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे कर्म से, तुम्हारे विल पावर से, तुम्हारे मेहनत, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा शंकर भगवान को चढ़ाया गया एक लोटा जल और सुनी हुई शिव महापुराण की कथा। देवी भजन का बल बढ़ाओ, अपनी मेहनत को बढ़ाओ। अरे गुरुजी, हमने क्या बोलते हैं उसकी किराना की दुकान डाली थी, चली नहीं। तो फिर हमने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा तेरे भाग्य में किराना की दुकान कभी नहीं चलेगी, इसलिए तू दुकान बदल। फिर हमने केमिस्ट की दुकान डाली, चली। अरे गुरुजी, 6 महीना इंतजार करा, केमिस्ट की भी नहीं चली, बिल्कुल बाजार में हमारी दुकान है और चल नहीं रही। फिर क्या करा, हमारे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने किसी से पूछा था तो उन्होंने कहा कि इसके भाग्य में केमिस्ट की दुकान नहीं चलेगी। फिर किसी ने कहा कपड़े की डालो, तो हमने कपड़े की डाली गुरुजी, चल गई। अरे गुरुजी कहाँ चल गई, बाद में बंद करना पड़ी। फिर किसी ने कहा सैनिटरी की दुकान डालो, सैनिटरी आइटम की, तो हमने वो डाली, नहीं चली। अब गुरुजी आप बताओ हम क्या डालें। हमने कहा तुम एक लोटा जल डालो। अब आप बताओ हम क्या डालें। अब कौन समझाए ऐसे व्यक्ति को कि तूने कपड़े की बदल ली, किराने की बदल ली, केमिस्ट की बदल ली, तूने सैनिटरी की बदल ली। हमारा शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार भगवान शंकर ने गणेश जी और कार्तिकेय दोनों से कहा, जाओ जाओ मुझे प्यास लगी है, कुआं खोदो पानी लेकर आओ, जाओ। देखिए ज्ञान कितना प्रबल है शिव महापुराण का। देवादिदेव महादेव ने गणेश जी और सदानंद कार्तिकेय से कहा मुझे पानी पीना है, जाओ कुआं खोदो और पानी लेकर आओ। इतने में गणेश जी बोले, पिताजी तुम्हारे सिर पे ही तो गंगा है। होता है एक लड़का मोटरसाइकिल को चालू करके और बुलेट भुड़ भुड़ करने वाली, फटाका फोड़ने वाली उस बुलेट को लेके जा रहा था। पिताजी बैठे थे कुर्सी लगा के, पिताजी ने आवाज लगाई, ए इधर आ। उसने बाइक खड़ी करी, हाँ पापा जा अंदर से एक लोटा पानी ला दे। लड़के को गुस्सा आ गया, लड़का अंदर गया, अपनी माँ से बोला, मम्मी पापा को एक गिलास पानी दे देना, पापा मैं तो अक्कल ही देंगे, मैंने गाड़ी चालू कर ली, मैं जा रहा था और मुझे बुलाकर कह रहे हैं कि एक लोटा पानी ला दे। मम्मी पापा को एक गिलास पानी दे देना। अब माँ पानी लेकर आई, छोरा बुलेट लेकर भुड़ 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 करता हुआ चले गया। इतने में पिताजी ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम्हारा राजकुमार लाडला कहाँ जा रहा है? इतने में माँ ने पल्लू रखकर सिर पे बोला, रेलवे स्टेशन पे प्याऊ लगाई है, पानी पिलाने जा रहा है। अब जरा विचार तो करो रे, बाप एक गिलास पानी मांग रहा है तो औलाद नहीं दे रही है, और रेलवे स्टेशन पे आंटी बॉटल बॉटल, आंटी बॉटल, कौन सा फायदा? गणेश जी ने कहा, पिताजी तुम्हारे सिर पे गंगा जी है, पानी क्यों ना पी लेते। शंकर भगवान भी चतुर थे, शंकर भगवान बोले, गंगा का जल मेरे सिर पे से आ रहा है, मैं नहीं पी रहा, तू तो खोद के ले किया। गणेश जी खोदने के लिए गए, सदानंद कार्तिकेय भी कुआं खोदने के लिए गए, गणेश जी महाराज ने कुआं खोदा। इतने में गणेश जी कुआं खोदते खोदते उन्होंने देखा पानी तो आ ही नहीं रहा, तो चूहे ने कहा, प्रभु यहाँ पानी नहीं निकलेगा, दूसरी जगह खोदो। गणेश जी ने दूसरी जगह खोदा, चूहा बोला, प्रभु यहाँ भी पानी नहीं निकलेगा, दूसरी जगह खोदो। फिर तीसरी जगह खोदा, 3-4 कुएं खोद दिए, पानी नहीं निकला। सदानंद कार्तिकेय जब कुआं खोद रहे थे, पानी नहीं निकल रहा था, मोर कार्तिकेय जी के पास में था, सदानंद कार्तिकेय जी से कहा, आप हिम्मत मत हारना सदानंद, इस कुएं को और गहरा करो, और गहरा करो, और गहरा करो। आप लोगों से कहते होंगे ना कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। तो मोर को राष्ट्रीय पक्षी क्यों बनाया था? इसी कथा के कारण बनाया था। मोर को राष्ट्रीय पक्षी का जो खिताब दिया गया वो इस कथा से दिया गया। मोर ने अपने स्वामी कार्तिकेय से कहा, प्रभु हिम्मत मत हारना, और खोदो, और खोदो,
और खोदो, एक कुएं को मोर ने हिम्मत दे देकर खुदवा दिया और पानी लेकर षडानंद कार्तिक के पिताजी के पास पहुंचे। गणेश जी 10-12-15 कुएं खोद दिए, पानी नहीं निकला। इतने में शंकर भगवान आए गणेश जी के पास, गणेश तू पानी नहीं लाया? गणेश जी बोले ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15 इतने कुएं खोदे, पानी नहीं निकला, तो तुमने पानी पी लिया पिताजी? इतने में भगवान भोलेनाथ बोले, कार्तिकेय जी जल लेकर आए थे। गणेश जी ने षडानंद कार्तिकेय को गले लगा कर कहा, भैया एक बात बता कि तू पानी कहाँ से ले आया? इतने में षडानंद कार्तिकेय ने कहा, मैं हिम्मत हार गया था पर मेरा मोर बोला और खोदो और खोदो और खोदो और खोदो और खोदो। एक ही कुएं को बहुत गहरा खोदा, आखिरी में उसमें पानी निकल ही गया। मंजिल तक जाना है तो मोर से हिम्मत लेना पड़ती है, इसलिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर बनाया गया। हिम्मत देना है, वो खोदो और खोदो, इतनी जल्दी हारना नहीं। हम बड़ी जल्दी हार जाते हैं, बहुत जल्दी हारते हैं हम। थोड़ा सा दुख आया, शंकर जी को जल चढ़ाया, काम नहीं हुआ तो फिर दूसरे महाराज के पास पहुंच गए। दूसरे महाराज से भी काम नहीं हुआ, तीसरे महाराज के पास पहुंच गए। तीसरे महाराज से काम नहीं हुआ, चौथे के पास पहुंच गए। महाराज लोगों ने खूब लूटा तुमको, बहुत मिलेंगे तुमको लूटने वाले। बहुत थोड़ी हमारी बात की बुरी लग जाती है लोगों को, इसलिए हम पूरी पूरी बात तो तुम्हारे सामने रख ही नहीं पाते। बोल दें क्या, तुम संभाल लोगे? पक्का? चूना और चंदन लगाने वाले बहुत मिलेंगे, थोड़ा बच कर रहे, थोड़ा बच कर रहना। और जब तुम बच गए तो जिंदगी की सार्थकता तुम्हारे सामने होगी। थोड़ा बचना, बहुत मिलेंगे, बहुत। पर तुम्हारी सामर्थ्यता होना चाहिए, तुम्हें समझना पड़ेगा। हमें यह देखना है कि हमारा सनातन धर्म कोई नीचे तो नहीं दबा रहा है, हमें यह देखना है हमारा सनातन धर्म कहीं नीचे तो नहीं ले जा रहा है। मालूम पड़े हमारे सनातन धर्म को धक्का पहुंचे, महाराज बहुत सावधानी वाली बातें हैं। और देखो इसको तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें, किसी दूसरे को नहीं समझना। ये हमारी व्यासपीठ कोई राजनीति की कुर्सी तो है नहीं कि हम आपको सब कुछ बोलें, पर अपने अंदर एक बात हमेशा पक्की रखना कि जो राम का है वो हमारा है, जो भगवान का है वो हमारा। भगवत भजन करिए, स्मरण करिए, भक्ति में डूबिए, शिव तत्व को डूबिए, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पाने का प्रयास करिए, भक्ति को पाना। दुनिया वाले मिलेंगे, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे नातेदार, तुम्हारे कुटुंबी, तुम्हारे परिवार वाले सबको ही मिलेंगे। सब तुमको केवल मिलेंगे ऐसे कि तुमसे कुछ ना कुछ पाना चाहेंगे, पाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, अगर शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए तुम्हारे पास एक लोटा जल नहीं है मत चढ़ाओ, तुम्हारे पास बेलपत्री नहीं है मत चढ़ाओ, तुम्हारे पास में धतूरा नहीं है मत चढ़ाओ, शिव महापुराण की कथा तो ये कहती है। ये भी नहीं है तो भगवान ने जो दो हाथ दिए हैं इससे 3 बार ताली बजा लो तो भी शिव प्रसन्न हो जाता। अगर हाथ से ताली भी नहीं बजा सकते तो मुख से बम बम भोले बोल दो तो भगवान प्रसन्न हो जाता। ये भी नहीं कर सकते तो मंदिर के शिखर का दर्शन कर लो, शिव तो भी प्रसन्न हो जाता है। ये भी नहीं कर सकते तो शंकर जी के मंदिर के सामने से केवल स्माइल कर कर निकल जाओ, थोड़ी सी मुस्कुराहट देकर, तो ही भगवान स्वीकार कर लेता है। लोग कहते हैं गुरु जी शंकर जी के मंदिर के सामने से हंसकर मुस्कुराकर प्रसन्न कर क्यों निकलना चाहिए? हम कहते हैं जिंदगी में कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, मंदिर में जल चढ़ाते समय, शंकर के दरवाजे पर जाते समय, गुरु के दरवाजे पर जाते समय, अपने पीहर मायके, अपने पिता के घर में, अपने बाप के घर में, अपने बाबुल के घर में जाते समय तुम्हारे जीवन में कितनी भी तकलीफ हो पर भगवान गुरु और पिता के सामने तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए तो पिता भी आशीर्वाद देता है कि मेरी बेटी कितनी खुश है। मायके में जाओ और तुम्हारे मुंह पर हंसी नहीं है, रो रहे हो, तुम्हारा जमाई ऐसा है, सास ऐसी, ससुरा ऐसा, कभी बाप के गले लगना
तो नैनों में आंसू रख कर नहीं खुश होकर लगना, तो बाप भी अंदर से दुआ देगा तू जितनी खुश है ऐसी जिंदगी में खुश बनी रहे, प्रसन्न हो, आनंदित हो। और आपके भीतर की जो प्रसन्नता है, आपके भीतर की जो आनंदता है, आपके भीतर का जो रसतत्व है, आपके भीतर का जो आनंद है, उसका भी समाप्त नहीं होना चाहिए। आपके भीतर का सुख समाप्त होने वाला नहीं है महाराज। भीतर की एक आनंदता हमारे भीतर जो है वो कभी समाप्त नहीं। शिव कथा कहती है भटकने से कभी परमात्मा नहीं मिला, भटकने से कभी कोई काम नहीं हुआ, काम हुआ है तुम्हारी मेहनत से, काम हुआ है तुम्हारे कर्म से। अब मेहनत तो लगी ना तुम्हारी, अपने अपने घर से आई। शिव तत्व है और घड़ी है संगो, शंकर क्या देगा, कितना देगा, कैसे देगा वो जाने, उसका काम जाने। अपने स्थान पर बैठकर आज कथा का विराम दिवस है, बड़े प्रेम से बाबा से विनती करना। कहते हैं जाते हुए मेहमान बच्चों के हाथ में जैसे 500 रुपए दे जाते हैं, 100 रुपए दे जाते हैं, उसी तरह बाबा देवाधिदेव महादेव की यह पावन कथा आपके भी जीवन में एक आनंद दे और शिव भक्ति के प्रति विश्वास दे। कथा कहती है आपका विश्वास दृढ़ हो, भटकने से नहीं, मेहनत करने से, कर्म करने से और भगवान का भजन करने से प्राप्ति होती है। खाली ना जाए कोई, देवता राक्षसों ने मिलकर जैसे मंथन किया था, मंथन में जैसे अमृत भी निकला और विष भी निकला। कभी कभी अच्छा भी प्राप्त होता है और बुरा भी प्राप्त होता है। जैसे माता पार्वती जी जब अपने नाना जी के घर में गई, वहां पर उन्होंने पीवरी को देखा जिनके चेहरे की चमक बहुत ज्यादा थी, उनको देखकर अपनी माँ मैनावती से पूछा, माँ ये कौन है? कहा जैसे हम पितरों की बेटी हैं वैसे यही पितरों की बेटी पीवरी है। माँ ये हमारी मासी लगती हैं, मौसी लगती हैं, इनके चेहरे पर इतनी चमक है माँ, माँ ये चमक कहां से आई है पीवरी के चेहरे पर? मैनावती ने कहा कि यह पितरों की लाडली बेटी है, भगवान देवाधिदेव महादेव की भक्ति में यह रमी रहती है, अखंड तप पीवरी ने करा, अच्छा पति मिल जाए, सम्मान देने वाला पति मिल जाए, आपका इज्जत करने वाला पति मिल जाए, तो समझ लेना कि आपके पूर्व में आपने कोई अच्छा पुण्य और व्रत करा होगा तो अच्छा प्राप्त होती है। ये पीवरी ने जो तप करा था, पीवरी ने जो बाल्यावस्था से जो तप साधना करी थी, तो सुखदेव जी महाराज जैसे उनको पति मिले, ये प्रसन्नता होना चाहिए। अच्छी जगह का संग मिल जाए, अच्छा सानिध्य मिल जाए, अच्छे लोग मिल जाए, तो समझ लो कि आपके पूर्व जन्म का कोई पुण्य होगा। यह आज का पुण्य नहीं होता है महाराज, ये पूर्व का पुण्य जो हमें मिला। बच्चा गुल्लक भरता है, पैसे इकट्ठे करता है, फोड़ता है, गिफ्ट लाता है, हमारे पुण्य की जब गुल्लक इकट्ठी होती है, हमारे पुण्य की जब गुल्लक भराती है, तब जाकर अपने नजदीक में शिव महापुराण की कथा होती है और उसमें अपन बैठ कर कथा सुन पाते हैं। पुण्य प्रबल नहीं होता तब तक सुख का अनुभव नहीं होता। यहां पर एक माता ऐसी बैठी है जो जिसके दो लड़के, एक 24 साल का एक 20 साल का, दोनों मर गए थे, दोनों समाप्त हो गए। दोनों बेटे चले गए थे, एक 24 साल का चले गए थे, 20 साल का चले गए। बेटियों की शादी हो गई थी दोनों, पत्नी डिप्रेशन में पहुंच गई थी, ये उस समय की बात है 2017-18 के समय पर। आज उसका पत्र आया तो हमको स्मरण में आया, पत्नी डिप्रेशन में चली गई, मेरे दोनों लड़के एक्सीडेंट में मर गए, दोनों लड़का एक 24 साल का 20 साल का चले गया, मेरी बेटियों की शादी हो गई, वो अपने अपने घर चली गई, उनके घर में बच्चे हो गए। 2014 में दोनों लड़के मरे थे, कौन से सन में मरे थे? 2000
14, अभी क्या चल रहा है, एरीज। 2014 में दोनों लड़के मरे, माँ डिप्रेशन में पहुंच गई, बेटियों ने समझाया। अब जब रजोधर्म भी बंद हो गया और ये सब चीज माँ अब भूल जाओ, तुम्हारे दो दामाद हैं यही तुम्हारे बेटे हैं, हमारे जो बच्चे हैं वही तुम्हारे लिए मूल हैं, पर वो अपने बच्चे को नहीं बुला पाए। आखिरी में वो 2018 में बाबा के धाम कुबेरेश्वर पहुंची, कंकर शंकर पूजन करा, बाबा से कह दिया मेरे दोनों बेटे चले गए, मेरी बेटियों की शादी भी हो गई पर भूल नहीं पा रहे, मेरा बेटा दो ना देव तो एक तो देव। और बाबा की कृपा से 2018 में फिर कृपा बाबा ने करी और एक बेटा उसके गर्भ से फिर जन्म लिया। उसको पाना है हम, भाग्य लिखना भगवान विधाता का काम है, भाग्य का क्रम लिखना भगवान नारायण का काम है, भाग्य बनाना ब्रह्मा का काम है, पर भाग्य में लिखी हुई लाइन को भी ठीक करना मेरे महादेव का काम है, मेरे शिव का काम है, ये जो कोई नहीं कर सकता वो मेरा देव अधिदेव महादेव करता। आप उससे दिल, हम क्या कहें इस व्यासपीठ से, क्या बोलें आपको कि वो है। लोग कहते हैं शंकर है, हम कहते हैं है। लोग कहते हैं आपने देखा है, हम कहते हैं देखना नहीं चाहते हैं, हम तो केवल उसको महसूस कर लेते हैं, बस वही बहुत। आप मिले हैं कभी, हम कहते हैं इन पत्रों के माध्यम से रोज ही तो मिलते हैं, ये पत्र क्या है, ये उसका मिलन ही तो है कि उसने किसको क्या दिया है, क्या प्राप्त किया। जहां सब हाथ पीछा कर लेते हैं तब महादेव देता है। पार्वती जी ने कहा पीवरी का तप बल इतना प्रबल कि उसके चेहरे की चमक बता रही है कि पीवरी साधारण नहीं है। हाँ, एक स्त्री का तप बल, एक स्त्री का भजन, एक स्त्री का पूजन, एक पुरुष का तपबल, एक पुरुष की पूजन आराधना अर्चना क्या देती है, फल तो देगी ही, खाली तो ना छोड़े। सारी समस्या का हल बोलबम का नारा है। पीवरी को देखकर मां पार्वती जी ने पीवरी को हाथ जोड़कर निवेदन करा, आप मेरी मौसी हो, मेरी मां मीनावती जिसके गर्भ से मैं जन्मी हूं, आप पीवरी हो, मेरी मां मैनावती, मेरी मां मैनावती, मैं उनकी पुत्री पार्वती, आप मेरी मौसी लगती हो, मासी हो, मैंने सुना है आपका तप बल बड़ा बड़ा प्रबल है, बड़ा प्रबल, जिसकी साधना प्रबल होती है, जिसका तप प्रबल होता है, जिसकी भक्ति प्रबल होती है, जिसका विश्वास प्रबल होता है, उसके साथ महादेव की कृपा नारायण की करुणा बनी ही रहती। मैंने सुना है आपकी भक्ति बड़ी प्रबल है, पीवरी ने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है, हीरा कभी नहीं कहता कि मेरी कीमत कितनी है, सोना कभी नहीं कहता कि मेरी कीमत कितनी है, ये तो जो परखैया कोई मिल जाए, परखदार कोई मिल जाए और वो छाट ले उसमें से कि ये हीरे की कीमत कितनी है और सोने की कीमत कितनी है, कोई फर्क ही है। जो परखदार होता है वो पहचान जाता है कि कीमत कितनी है, कोई परखदार होगा जो समझ जाए कि कीमत क्या है। भगवान को पहचानने वाला ही भगवान को जान सकता है कि शिव तत्व है क्या, भगवान शंकर ओघड़ी है क्या, शिव भक्ति है क्या। तब पीवरी को देखा पार्वती जी ने और पार्वती जी ने पीवरी को देखकर कहा मासी आपसे केवल एक भाव प्रकट करना, जिसने एक लोटा जल चढ़ाया है, जिसने शिवजी को रिझाया है, शंकर को जिसने जान लिया कि यह है,
तो वो सामने तो नहीं आता पर जरूर हाथ पकड़ कर खींच कर नैया पार लगा कर चला गया है वो। अब उसको यहाँ पार्वती जी कह रही है पिवरी को देखकर कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि कहीं कृपा है, आप आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो क्या कहना चाहती हो? आप संत की पत्नी हो, सुखदेव जी महाराज आपके पति हैं, मैं इतना कहना चाहती हूँ। पार्वती जी कहती हैं अपने नाना के घर से जब बेटी जाती है तो मौसी गिफ्ट देती है ना, मुझे गिफ्ट में केवल इतना चाहिए कि शंकर पर जो जल चढ़ाए, शिव को जो पूजे, उसके घर के पितृ भी उसको आशीर्वाद प्रदान करें और जीवन का कल्याण। पिवरी ने ये फल दिया, ये आनंद दिया, ये फल प्रदान। कोई कोई के मन में इतना इतना ईर्ष्या अंदर से भरा गई किसी किसी के मन में कि लोग शंकर के मंदिर क्यों जाने लगे, इतने सारे लोग शिव पुराण क्यों सुनने लगे, तो लोगों के अंदर ईर्ष्या भराने लगी। कई लोगों ने ईर्ष्या में आकर कह दिया शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, शंकर के शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए। अंदर इतनी ईर्ष्या भरा गई कि उन्होंने शिव पुराण को ही उल्टी कर दी कि शंकर का जल नहीं पीना, शंकर को छूना नहीं। उन्होंने अपने आप को महान बताने के चक्कर में इतनी बड़ी बड़ी बात कह दी कि नारी को शिवलिंग छूना नहीं चाहिए, जल नहीं पीना चाहिए। अब ये कथा देव पितर शिव महापुराण की कथा कह रही है, कभी मौका मिले मुद्गल पुराण में, देवी भागवत में, स्कंद पुराण में, कूर्म पुराण में इस कथा को पढ़ना। माता पार्वती ने पिवरी से कहा, पिवरी मासी देवी कृपा करो, ऐसी कृपा करना जो नारी जो पुरुष जो बच्चा जो स्त्री जो कन्या जो जीव शंकर की आराधना करेगा, शिव के शिवलिंग का अगर स्पर्श भी भूल से कर लेगा या शंकर पर चढ़े हुए जल का अगर भूल से भी पान कर लेगा, उसको यम की यातना ना सताए और उसकी जिंदगी का आनंद सुख हो पाए, आनंद सुख हो पाए। पिवरी ने वर दिया, पार्वती जी आई, तब साधना में लीन हुई, देवाधिदेव महादेव को उन्होंने प्राप्त किया, शंकर भगवान की अर्धांगनी माता पार्वती जी बन गई। तारकासुर के संहार के लिए षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य हो गया, पर माता पार्वती जी ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा इस तारकासुर के हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए क्योंकि इसके दिल में महादेव बैठे। तारकासुर किसी देवता को नहीं भजता था, केवल महादेव को भजता था। देखो शंकर भगवान के किसी से भी बैर नहीं है भैया, जितने भी असुर हुए जितने भी राक्षस हुए इनका भगवान नारायण से बैर रहा, इंद्र से बैर रहा, ब्रह्मा से बैर रहा, सबसे बैर रहा देवताओं से, पर जितने भी असुर हुए उन्होंने शंकर भगवान से कभी बैर नहीं करा। क्यों? क्योंकि बैकुंठ में सोना चांदी हीरा पन्ना था, इंद्रलोक पे सोना चांदी हीरा पन्ना था, देवलोक में सोना चांदी हीरा पन्ना था, कैलाश में कौन सा सोना चांदी हीरा पन्ना था? किसी को भी कैलाश नहीं चाहिए था, सबको बैकुंठ चाहिए, सबको इंद्रलोक चाहिए, सबको ब्रह्मलोक चाहिए। शंकर भगवान का कैलाश किसी को नहीं चाहिए, तो कोई भी शंकर भगवान पर आक्रमण ही नहीं करता था, शंकर भगवान से कोई बैर ही नहीं रखता था, उनसे हमें करना क्या? वो तो खुद तप साधना में डूबे रहते हैं, अड़भंगे हैं, वो तो बैठे हैं अलमस्ती में, उनसे हमें मतलब क्या? शंकर भगवान कभी किसी झंझट में नहीं पड़े। सबका बैर हो सकता है, शिव का नहीं। किन्नर शंकर भगवान की कृपा से वर प्राप्त करे, असुर शिव जी की कृपा से वर प्राप्त करे, देवता शिव जी की कृपा से वर प्राप्त करे, गंधर्व शिव जी की कृपा से वर प्राप्त करे, और संसार में रहने वाले मनुष्य से भी यही निवेदन है कि ये तुम कहां रहते हो? पृथ्वी पर। पृथ्वी के देवता हैं देव अधिदेव महादेव, इसलिए पृथ्वी पर अगर रह रहे हो तुम्हारी जिंदगी में दुख आएगा। तुम्हारे घर में जो बहू रह रही है, तुम्हारे साथ में जो देवरानी रह रही, जेठानी रह रही, तुमको अगर दुख आया, अटैक आया, कुछ प्रॉब्लम आई, तकलीफ आई, तो तुम्हारी एक बहू जयपुर में रहती है, एक बहू तुम्हारी कहीं बीकानेर में रहती है, एक बहू तुम्हारी कहीं अजमेर में रहती है, मालूम पड़े दुख आया, तुमने अपनी बहू को फोन लगाया तो तुरंत तुम्हारी बहू आ जाएगी क्या? बोलो जम के बोलो जरा, आएगी? नहीं, तुरंत बहू नहीं आएगी। पर जो तुम्हारे साथ में रह रही है, देवरानी जेठानी बहू जो तुम्हारे पास में रह रही है, कितना भी झगड़ा हो, कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी उससे विवाद हो, तो भी तुम्हारी दुख की घड़ी में सबसे पहले निकलकर कमरे से बाहर वही बहू आएगी, सबसे पहले निकलकर वही आएगी। उसी तरह
ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, देवता देव लोक में रहते हैं, गंधर्व गंधर्व लोक में रहते हैं, मेरा महादेव मृत्यु लोक में रहता है, आप जैसे ही पुकारोगे वो दौड़कर तुम्हारे पास में आ जाएगा। तारकासुर का संहार हो रहा है। तारकासुर के तीन बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। इन तीनों ने तीन पुरी का निर्माण करा, उसके राजा बनकर बैठे, वर प्राप्त किया, मरे तो तीनों एक साथ वरना प्राण ना जाए। देवताओं ने देखा कि बहुत उपद्रव मचाया है, तो 33 कोटि देवता सब पशु बन गए और मेरे देवाधिदेव महादेव उनके पति बन गए। शिव जी का एक नाम हो गया पशुपति। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, इनके प्राणों को भगवान शिव जी ने पशुपति नाथ बनकर हरा। अब इस कथा से हमको ये बात समझना है कि देवाधिदेव महादेव केवल देवताओं के देवता नहीं, मनुष्य के देवता नहीं, गंधर्वों के भी देवता नहीं। देवाधिदेव महादेव अगर देवताओं के देवता हैं, मनुष्य के देवता हैं, गंधर्वों के देवता हैं, किन्नरों के देवता हैं, अप्सराओं के देवता हैं, तो मेरे देवाधिदेव महादेव पशुओं के भी देवता हैं, जिनका नाम पशुपति। पशुपति नाथ का व्रत करने वाली स्त्री, पुरुष, बच्चा, बेटा, बेटी, जवान, बूढ़ा, जो भी है, दिखावे से कभी पशुपति व्रत मत करो। 5 सोमवार का व्रत होता है, 5 सोमवार के बीच में अगर कोई आपका त्यौहार आ गया, कोई तीज आ गई, कोई आपका त्यौहार आ गया, एकादशी, जो व्रत आप पहले से करते आ रहे हो वो व्रत आ गया, तो आप उस व्रत को छोड़कर अगला व्रत करो। एक ही मंदिर में 5 व्रत पूरे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 व्रत इस मंदिर में कर लिए, 3 व्रत उस मंदिर में कर लिए, नहीं, 5 व्रत एक ही मंदिर में हो। पूजा की थाली, अभिषेक पूजन का सामान सुबेरे के टाइम लेकर भगवान शिव के मंदिर में जाकर आराधना करो, पूजन करो, बाबा को प्रार्थना करो, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। पूजा की जो थाली है उस थाली को लाकर वापस रख लो, शाम के समय उसी पूजा की थाली को वापस लेकर जाओ, मीठे का प्रसाद बनाओ, कढ़िया में, भगोनी में उतना ही प्रसाद बनाना जितना मंदिर में लेकर जाना। ऐसा नहीं कि थोड़ा बनाकर परिवार वालों के लिए अलग रख देती हूँ, उसमें से ले जाऊंगी तो प्रसाद के तो हिस्से वही होगा। कढ़ैया में उतना जितना प्रसाद बनाया है वो पूरा की पूरा लेकर जाना पड़ेगा, भगोनी में जितना प्रसाद बनाया है वो पूरा लेकर जाना पड़ेगा, बचा कर रख नहीं सकते, क्योंकि अगर बचा कर रखा तो 2 हिस्से तो वही हो जाते हैं प्रसाद के, आधा ले गई आधा रख गई, तो वो व्रत मान्य नहीं होता। प्रसाद एक पात्र में लेकर जाओ, 3 हिस्से जिसमें करना है वो दोना, कागज, जो भी चीज आप लेकर जाते हो, प्लेट वगैरह, वो साथ में लेकर जाओ। 6 दिए लेकर जाओ, 6 ही दिए शंकर जी के मंदिर में नीचे लाइन से रख लो, प्रसाद के 3 हिस्से कर लो, बाबा की पूजन आराधना वापिस करो। 5 दिए प्रज्वलित कर लें, 6ठे नंबर का दिया जलाना नहीं है, जमीन पे जरूर रखना। बाबा की पूजन करने के बाद में प्रसाद का 1 हिस्सा थाली में रख लो, 6ठे नंबर का जो दिया है जिसको जलाया नहीं उसको थाली में रख लो, बाबा को प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, स्वीकार करना बाबा, मेरे मन की अभिलाषा को पूर्ण करना बाबा, तेरी बेटी हूँ, तेरा बेटा हूँ, तू कृपा करना बाबा, किसी दूसरे के दरवाजे पर मुझे झुकने मत देना, तेरे दरवाजे की आस लगा कर आई हूँ, तू करुणा करना बाबा, विनती कर कर 1 दिया प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर जब घर आओ, घर के दरवाजे में जब प्रवेश करो तो सीधे हाथ की ओर, अपने घर की ओर मुख कर कर बैठ जाओ, अपने घर में जब प्रवेश करो तो सीधे हाथ की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर कर बैठो, दिया लगा दो, जो 6ठे नंबर का दिया लाई हो उसको प्रज्वलित करो, प्रसाद का हिस्सा जो घर के अंदर लेकर गई हो, भोजन करने से पहले प्रसाद का जो हिस्सा है उसे तुम्हें खाना है, उसमें से प्रसाद ना बच्चों को ना किसी को भी नहीं देना है, केवल जो व्रत करने वाला व्यक्ति है अपने हिस्से का प्रसाद अपने को ही पाना। प्रसाद का हिस्सा खाकर फिर भोजन करो, बाबा का स्मरण करें, ऐसे 5 व्रत पूर्ण हो, जब 5वां व्रत हो तब एक नारियल
बन सके तो 108 फूल की पंखड़ी, पुष्प, चावल जो तुम ले जा सकते हो, नारियल के साथ भेंट आदि लेकर बाबा की जैसी पूजन हर सोमवार करी वैसी ही करें। नारियल समर्पित कर कर एक एक फूल की पंखड़ी 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर कर बाबा को समर्पित कर लें, विनती कर लें। नारियल और भेंट देते समय बाबा आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हो रहा है, झोली भरना, कृपा करना, विनती कर कर। छठे नंबर का दिया प्रसाद का एक हिस्सा लेकर वापिस आओ, दिया जलाकर जो विनती बाबा के मंदिर में करी वही अपने दरवाजे की चौखट पर 5वें दिन अवश्य करें, 5वें सोमवार, और व्रत पूर्ण करें। 3 महीने बाबा का उस व्रत का इंतजार करें। वैसे तो विश्वास है 3 महीने आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बाबा 1.5-2 महीने में ही कृपा कर देता है। ये पशुपति व्रत है। शिव मंदिर में करना चाहिए, भगवान शंकर की आराधना, पशुपति व्रत की महत्वता। एक पाशुपत्य अस्त्र भी है जो भगवान देवाधिदेव महादेव ने राम जी को भी दिया था, भगवान कृष्ण के पास भी था। यह पशुपति व्रत है जो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व। कोई कहे कि 3-4 बार व्रत करना पड़ेगा, कोई कहे ऐसे व्रत करना पड़ेगा, व्रत का जो नियम है वो आपको बताया। दुनिया के लोग आजकल पशुपति व्रत का इतना ढोंगा प्रपंचा कर दिए हैं, नए नए लोगों ने अपनी अपनी पीठ से बता बता कर कि सुबह ऐसे नहाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। फालतू का आडंबर बिल्कुल शंकर भगवान को पसंद नहीं है। शिव जी को दिखावा प्रिय नहीं है, शंकर भगवान को आडंबर प्रिय नहीं है। शंकर की भक्ति जैसे तुम्हारा दिल करे वैसा करो। कोई तुमसे कह दे कि तुम तो गलत तरह से जल चढ़ा रही हो, तुम तो ऐसे जल चढ़ा रही हो, ना ना, तुम्हारा मन करे वैसे शिव की भक्ति करो। मेरा बाबा दिखावे से कभी नहीं देता, मेरा बाबा दिल देखकर देता है, हृदय देखकर देता है। शिव की भक्ति मूल तत्व सुख प्रदान करने वाली, आनंद देने वाली। शिव की भक्ति भगवत स्मरण करने वाली, ये सुखता या आनंदता देता। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कराए, समय आया, भगवान देवाधिदेव महादेव जो आनंद की राशि है, पशुपति नाथ बनकर उन्होंने संहार किया तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। एक विदल, उत्पल नाम के 2 असुर हुए जिनको माता पार्वती जी ने कुंदुक मारकर संहार किया था, तो शिव जी का नाम पड़ गया था कुंदकेश्वर। जब कोई दवाई शरीर में नहीं लगती, शुगर हाई जा रही है, बहुत ऊपर जा रही है, गोली खाने से भी कंट्रोल नहीं हो रही, और एक बेलपत्र के ये 2 पत्ती के बीच में, आप लोग थोड़ा सा चैनल के माध्यम से आप जरूर उसका स्मरण करेंगे, और जितने भी लोग यहां बैठे हैं वो LED के माध्यम से स्मरण करेंगे। 3 पत्ती की बेलपत्र होती है, जिसको प्रैक्टिकल करना है वो यहां से जाकर भी कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता है, करना जरूर, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। इतने सारे पत्र आए हैं, इन्होंने भी तो प्रैक्टिकल करा तो फल मिला कि नहीं मिला, करो, कहीं सियोर वाला झूठ बोलकर तो नहीं गया, प्रैक्टिकल जरूर करो। 3 पत्ती का बेलपत्र होता है, जब भी हम शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाएं, शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाकर 2 पत्ती और 3री पत्ती के, क्या पीपी कर रहा है साउंड, 2 पत्ती और 3री पत्ती के बीच में जो डंडी होती है उस डंडी को पकड़कर बाबा कुंदकेश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर का स्मरण कर इन बेलपत्र को बीच 2 पत्ती और 3री पत्ती के बीच में जो खाली जगह है डंडी उसको पकड़कर कुंदकेश्वर भगवान का नाम लेकर उस बेलपत्र को चबा चबा कर खाओ। दिन में अगर आज शुगर को लेवल नीचे लाना है तो दिन में 3 बार कुंदकेश्वर का नाम लेकर खाओ, शाम को चेक करना शुगर नीचे की ओर आ जाएगी, लेवल पर आ जाएगी। कौन से भगवान का नाम लेना है? कुंदकेश्वर महादेव का नाम। कुंदकेश्वर का नाम लेकर आप इस देवाधिदेव महादेव का स्मरण,
कोई दवाई नहीं लग रही, कोई औषधि नहीं लग रही, तभी भी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लिया जाता है। जब दवाई ना लगे तब कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। ये कुंदकेश्वर जो महादेव का नाम हम लेते हैं, बिदल उत्पल को माता पार्वती ने कुंदुक फेंक कर मारा था, तो शंकर जी के पास चरणों में जाकर जो कुंदुक गिरा था तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। कुंदकेश्वर नाम का स्मरण। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है, भगवान देव अधिदेव महादेव का संवाद वर्णन कर रहा है, भगवान शिव आनंद के साथ विराजमान होते हैं। समय आता है सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण तुमरुका जी चंचुला देवी को करा रहे हैं। पहले नंबर पर सोमनाथ जी का स्मरण कराया है हमारा, सोमेश्वर सोमनाथ। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को काया का रोग दे दिया था कि तुझे श्राप देता हूं, तेरी काया बेकार हो जाए। कभी कभी हमारे शरीर में जो रोग आता है वो हमारे कुछ गलत खान पीन से, जैसे पता कि उन्होंने एक दवाई खाई गोली, और वो गोली खाई और वो गोली रिएक्शन कर गई, जिसके कारण बस उनके शरीर में सालों से शरीर में खुजाल चलने लगी, फुकड़ी निकलने लगी, और जहां वो खुजाल लेती थी वहां खून जम जाता था और निशान पड़ जाता। कोई बैठी हो जिन्होंने पत्र लिखा है, अब पत्र ढूंढ, आप ही ने लिखा, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमें पत्र ढूंढना पड़ेगा इसलिए समय लगेगा, इसलिए एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आपने लिखा कि वो दवाई का रिएक्शन ऐसा हो गया कि कई साल निकल गए, शरीर में से फुकड़ी निकलना, खुजाल दो तो निशान पड़ जाना, चर्म रोग हो गया, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर वो ठीक नहीं हुआ। आखिरी में किसी ने कहा कि शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाओ और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करो। तो मैं शंकर के मंदिर जाती थी, जल शरीर में लगा लेती थी और बेलपत्र खा लेती थी। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ कि मेरा शरीर पूरा ठीक हो गया, इसलिए मैं बाबा को नमन करूँ। अब ठीक है आप, बढ़िया। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते, बैठिए, शंकर की उदारता इसी को कर। तो यहां जो शिव महापुराण की कथा कर रही है कि चर्म का रोग आ गया, काया का रोग श्री चंद्र को हो गया। जब चंद्र को काया का रोग हुआ, चंद्रदेव दुखी हुए, किसके पास जाओ? भगवान नारायण के पास पहुंचे तो उन्होंने कह दिया क्या करे, श्राप है तुम्हारे ससुर का, माना हमने पाप किया है, माना हमने कुछ गलत किया है जिसके कारण बस हम भोग रहे हैं, पर इतना तो जरूर हो कि बाबा अगर हमने पाप किया तो भोग रहे हैं, पर तू कृपा करेगा तो क्या हमारा पाप नहीं कटेगा? तू अगर करुणा करेगा तो पाप तो कटेगा। शंकर भगवान की आराधना देवऋषि नारद ने करवाई, तो शिव जी की आराधना कर चंद्र का काया ठीक हो गई। शंकर भगवान महामृत्युंजय, रोग से मुक्त करने। अकाल मृत्यु वो मरे तो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां। भूत भविष्य आनंद का शिव देने वाले। ये कथा तो आज विराम हो जाएगी। 7 तारीख को गोपितर, ये देवपितर शिव महापुराण थी गोप, और अगला नाम आया है श्री मल्लिकार्जुन जी का। पार्वती और शिव जी से रुष्ट होकर चले गए भगवान सदानंद, माँ और पिता मेरे शिव और माता पार्वती उनको मनाने के लिए पहुंचे। एक बिंदु को जिसने जाना, जैसे प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहने आपको बताती है, प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की माताएं आपको बताती हैं, बहनें बताती हैं कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड का एक बिंदु, और उस बिंदु से सब प्रकट है। वो बिंदु कौन? तो कहा वो बिंदु है देव अधिदेव महा, जिससे सब कुछ प्रकट हुआ, सारा ब्रह्मांड का सारा सुख उसी बिंदु से प्रकट हुआ, प्राप्त हुआ। फिर अगला वर्णन आया महाकालेश्वर, जिन्होंने दूषण नाम के राक्षस का संहार करा। ओमकारेश्वर विध्य नामक पर्वत पर भगवान शिव विराजमान हुए। फिर वर्णन आया केदारेश्वर नर नारायण तप कर भगवान शिव को प्राप्त करे। फिर आया भीमाशंकर, कुंभकर्ण की दो धर्म पत्नियां थी निंद्रा कर्कटी, कर्कटी का पुत्र था भीम, जिसने अपने पिता का बदला लेने के लिए मंदिर देवालय शिवालय तोड़ दिए। तो भगवान शंकर स्वयं प्रकट होकर भीम का संहार करे, भीमाशंकर के रूप में विराजमान हुए। देखो जब जब धर्म की हानि होती है, मंदिर तोड़े जाते हैं, देवालय तोड़े जाते हैं, शिवालय तोड़े जाते हैं, मंदिरों को तोड़ तोड़ कर ना जाने किस किस रूप में उनमें निर्माण कर दिया जाता है,
अपनी सत्ता स्थापित कर मंदिरों का नाश कर दिया जाता है, धर्म को नीचे दबा दिया जाता है, वेद पुराण शास्त्र को नीचे दबा दिया जाता है, जब पाखंड फैलने लगता है, अधर्म फैलने लगता है, तब जैसे जगत गुरु शंकराचार्य आते हैं तो शिव तत्व को लोग जानते हैं, ऐसा ही कलयुग में ये शंकर की कथा आपको जो मिली है ये धर्म के उत्थान के लिए मिली है। आज हो क्या रहा, जिन्होंने पहले मंदिरों को तोड़ा और मंदिरों को तोड़कर दूसरा दूसरा बनाकर उन्होंने रख दिया, मंदिरों को नष्ट कर दिया, मंदिरों के द्वारों को नष्ट कर दिया, मंदिरों की चौखट को नष्ट कर दिया, आज कलिकाल में अब धर्म की ध्वजा वापिस फेराने लगी और मंदिर जो तोड़े गए थे उनका विकास हो रहा है, उनका आनंद हो रहा है और उस मंदिरों में आनंद के साथ देवाधि देव महादेव विराजमान हो रहा है। ये साधुवाद का है हमारा, ये धन्यवाद का, ये आनंद का। कहा महाराज, हम कहते जरूर हैं कि धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण जब होगा, जब आप सनातन धर्म को बचाने वालों का साथ दोगे तो विश्व का कल्याण। सब तुम्हारे हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, सब तुम्हारे हाथ में। जहां सनातन धर्म बचेगा तो लोग मंदिर भी जाएंगे, देवालय भी जाएंगे, शिवालय भी जाएंगे। सनातन धर्म ही नहीं रहेगा तो लोग मंदिर शिवालय देवालय कौन जाएगा, सब मंदिरों में मालूम पड़े ताले डल जाएं, कोई जा ना पाए तो कहां मतलब। धर्म की रक्षा करना है, सनातन धर्म की रक्षा करना यह हमारा बल। और शिव महापुराण की कथा यही तो कहती है कि आप अपने आनंद में, जब कुंभकर्ण के बेटे को शिव जी ने मार दिया, भीम का संगार करा तो भीमा शंकर हो गए, ये शिव तत्व कह रहा है। अगला वर्णन आता है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर शिव जी को विराजमान करा, फिर वर्णन आया त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, शिव जी ने आकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के साथ दर्शन दिए, फिर वर्णन आया वैद्यनाथ, रावण शिवलिंग ले जा रहे थे संध्या करने के लिए, भूमि पर रखा, बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का भगवान संहार कर नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए, फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर, फिर वर्णन आया रामेश्वर, भगवान राम जी ने शिवलिंग की स्थापना कर विराजमान करा, फिर भूषमा ने शिव जी से प्रार्थना करी, मेरा बेटा बहुत दिन से नहीं दिखा, एक हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा मेरे महादेव ने भूषमा का जीवित कर दे दिया, वो कृष्णेश्वर महादेव हो गए। तुम रुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला ये शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली है, पितृ पक्ष में जो इस कथा को श्रवण करते हैं, जिस माध्यम से श्रवण करते हैं, उसके घर के पूर्वज पितर देवलोक को जाते हैं। जो लोग टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हों, मोबाइल पर सुन रहे हों, दो चावल के दाने लेकर कथा सुन रहे हों तो वो छत पर डालें, जो अपने पूर्वजों का फोटो रखकर पितरों के भाव से जहां बैठकर कथा सुन रहे हैं वो हाथ जोड़कर पितरों के सम्मुख में भाव से प्रार्थना करें, हे पितरदेव, हे भोलेनाथ, कृपा सागर, करुणा सागर, दया सागर, कृपा करने वाले मेरे भोले बाबा उघड़दानी और मेरे पितृदेव, ऐसी कृपा करना, मेरी झोली खुशियों से भरना, वंश की वृद्धि करना, कार्य में सफलता देना, बाबा घर में भंडार भर कर रखना, ऐसी झोली भरना कि जिंदगी में हम भी एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सकें, ऐसा भंडार हमारे जीवन में भरना, बाबा को प्रार्थना करो।